हेलो कैसे हैं आप सब लोग पिछले पार्ट में मतलब पार्ट फर्स्ट में वी हैव सीन व्हाट इज सेल हु डिस्कवर्ड इट रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड इट डू यू रिमेम्बर द स्टोरी ओके सो टुडे वी विल डिस्कस पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर वेर वी विल डिस्कस सेल शेप सेल साइज एंड सेल नंबर ओके आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल द डिस्कवरीज related to cell which we have seen in part 1 today we will discuss these topics before starting that few question arises in our mind what was those one did all these cells are of same shape question 2 did all the microorganism have same number of cells question 3 can a single cell

के बॉयल होते हैं नो द सेल शेप इज ऑलमोस्ट डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स ओके सपोज वील सी समाइम्स सर्कुलर सेल समटाइम्स बाय कॉन्केव सेल दिस इज अर बी सी सेल विच इज बाय कॉन्केव क्यू बॉयल सेल स्पिंडल मसल सेल एंड नर्व सेल विच इज ब्रांच्ड है

तो थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं विल टॉक अबाउट सेल नंबर क्या सारे ऑर्गेनिज्म में सेम सेल्स होते हैं आई डोंट थिंक सो बिकॉज कॉकरोच इज वेरी स्मॉल एंड जिराफ इज वेरी बिग क्या एक जैसे नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं नो दैट मीन्स सेल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेल नंबर

अगर आप कॉकरोच को ले लीजिए छोटा सा कॉकरोच और अगर आप बिग जिराफ एलिफेंट किसको भी ले लीजिए एलिफेंट को ले लीजिए ठीक है एलिफेंट इज रियली really फैट बड़ा है बहुत कॉकरोच से तो क्या दोनों में सेम नंबर ऑफ़ सेल हो सकते हैं इम्पॉसिबल विजिबल है हमें कि इसमें सेल नंबर्स कम होंगे इसमें ज़्यादा होंगे ओके हमने सेल शेप भी देखा था एक्चुअली सेल शेप इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट इज वेल सेल शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ द सेल फंक्शन ऑफ सेल सेल शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ सेल एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको आर बी सीज का ले लेते हैं एग्जाम्पल सपोज ये आपकी पतली सी वेन आर्चीज ऑफ मीन्स हैं ओके एंड आर बी सी इज बाय कॉन्केव टाइप बाय कॉन्केव हॉलो फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड इट इज़ अ कवरिंग लाइक सिमिलरली लाइक अ कॉन्केव मेरर सिमिलरली लाइक अ कॉन्केव मेर दिस दिस इज द शेप ओके दिस इज द शेप तो इट लुक्स इट इज कॉन्केव तो बिकॉज ऑफ दिस दीज आर्चीज आर रियली रियली स्मॉल थिं

और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं नर्व सेल का ले लेते हैं देखिए नर्व सेल ब्रांच्ड होती है आपको पता है इस तरीके की ब्रांच्ड होती है उसमें पीछे जाके देर इज़ अ नर्व एंडिंग नर्व एंडिंग नहीं होगा तो uh, बीच में साइनाप्स uh, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे प्रोड्यूस uh, होंगे जो हमारे नॉर्मल सिग्नल्स हैं जो हम बाहर से रिसेप्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स वो सिग्नल्स uh, कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट uh, होंगे है ना तो दिज सेल्स इज एक्चुअली सेल शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ द सेल ओके स्टूडेंट्स नाउ वील टॉक अबाउट सेल नंबर ऑल्सो नो विल टॉक अबाउट सेल नंबर एज वेल वन इज यूनी सेलुलर विच इज गिवेन इन योर टेक्स्ट बुक इन अ बिग पैराग्राफ ओके

यूनिसेलर ओके और मल्टी सेलुरर हैज़ मोर देन वन मोर देन वन मोर इन नंबर्स और मोर देन वन टू इट इज ओके सो यूनिसेलर आर ओनली वन सिंगल सेल बॉडी एंड मल्टी सेलर इज मोर देन दैट ओके यूनिसेलुलर ऑरगेनिजम्स आर वेरी स्मॉल बट स्टिल दे हैव वन प्रॉपर्टी

It can uh, uh, it can do any metabolic activity. They can do digestion, they can do respiration, they can do excretion and they can do reproduction as well and one more thing they can show growth. सो दीज़ आर द कैरेक्ट्रिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स जब भी किसी के बारे में बात की जाती है कि बताइए आप कैसे कह सकते हैं कोई कोई ऑर्गेनिज्म uh, लिविंग है तो हम क्या कहते हैं वो डाइजेशन करे रेस्पिरेशन करे एक्सक्रीशन करे रिप्रोडक्शन करे है ना वो भी अपनी आगे प्रोजेनी को बढ़ाए आगे उसके बच्चे उसके बच्चे और ऐसे हो है ना और ग्रोथ करें तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं कि भाई इसको देखकर हम कह सकते हैं कि कोई लिविंग है ठीक है तो अमीबा अकेले एक सिंगल सेल ये पूरी प्रोसेस कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब एक सिंगल सेल यानी वन सिंगल सेल हैज द केपेबिलिटी टू फंक्शन इंडिविजुअली ओके इससे याद आया बच्चों एक टर्म आती है सेल डिफ्रेंसिएशन सेल डिफ्रेंसिएशन ओके सेल डिफ्रेंसिएशन इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं सपोज़ आपके घर में कोई आप घर बनवा रहे हैं न्यू घर बनवा रहे हैं ठीक है तो आपने करीबन दस वर्कर्स को बुलाया ठीक है मज़दूरों को बुलाया तो दस मज़दूर आ गए आपके यहाँ तो फिर आपके यहाँ जो मेन जो जो मिस्त्री होता है जो वर्कर होता है मेन जो हेड होता है वो क्या करेगा डिवाइड करेगा दो लोग सीमेंट लेंगे दो लोग ब्रिक लेके आएंगे है ना दो लोग ये करेंगे एंड मतलब डिवाइड करेगा सैंड लेके आएंगे दो लोग सीमेंट करेंगे दो लोग सिम, ब्रिक का, का काम करेंगे दो लोग पानी मसाला मिलाएंगे है ना और दो लोग मुझे हेल्प करेंगे है ना तो क्या हुआ वर्कर्स तो वो सेम थे बट हु डिवाइडेड मेन मेन जो हमारा जो मिस्त्री था यानी कि जो मेन लीडर था उसने डिवाइड कर दिया भाई आप ये काम करो आप ये काम करो आप ये काम करो तो उसने क्या किया उसने वर्कर को डिफ्रेंशिएट किया डिफ्रेंशियट वर्कर्स तो सेम थे पर उनको डिफ्रेंशिएट किया ठीक है ऐसे ही जब हमारी बॉडी बनना शुरू होती है हमारी हो या कॉकरोच हो कोई भी बॉडी दुनिया में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो क्या होता है कि पहले वो एक सिंगल सेल होता है जैसे हम अपनी मदर की वोम में सबसे पहले एक डिफ्यूज़ फर्टिलाइज सेल होते हैं जो बाद में जैसे जायगोट कहते हैं और फिर उसके बाद इसमें शुरू होता है सेल डिवीजन सेल डिवीजन है ना इतने बड़े होंगे फिर हम थोड़ा सा और टू थ्री वीक्स बाद हम और ज़्यादा बड़े होंगे फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी अराउंड डेढ़ डेढ़ से दो महीने के बीच में एक पोजिशन ऐसी आती है कि मदर की वॉम में ही इन सेलों को डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है कि आप हेयर के सेल आप आप हेड के बनिए आप आप आइज़ का डिपार्टमेंट आप हैंड्स का डिपार्टमेंट आप पैर का डिपार्टमेंट आप स्टमक बन जाइए आप स्प्लिन सेल बन जाइए है ना आप लिवर सेल बन जाइए आप नर्व सेल बन जाइए है ना तो दिस इज़ डिफ्रेंशिएशन ओके okay, स्टूडेंट्स जब डिफ्रेंशिएशन मिलता है तभी पूरा बॉडी पार्ट आपको विजिबल होता है उससे पहले तो वो एक मास का टुकड़ा है पर जब उसको डिफरेंशिएट किया जाता है सेल्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है फिर सेल बनने लग जाती है बॉडी बनाने में एक बेबी की है ना तो दिस इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएटिंग सेल अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ओके प्रोवाइडिंग सेल ऑफ पर्टिकुलर फंक्शंस ओके स्टूडेंट्स तो स्टोरी में रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया उसके बाद स्टोरी में आए और साइंटिस्ट है ना जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने किया पुर ने प्रो, प्रोटोप्लाज्म किया है ना ल्यूवेन हुक ने तो लिविंग सेल देखा था पॉन्ड वाटर में तो ये हिस्ट्री थी है ना जो हमने पढ़ी थी उसके बाद हमने सेल थेरी पढ़ी थी सेल थेरी में उन्होंने थोड़ा सा एक्चुअली बताया था बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अकॉर्डिंग फिर बाद में आज आज तो मॉडर्न साइंस बहुत आगे निकल गई है अगर आ, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए अगर रॉबर्ट हुक ने सेल नहीं देखा होता या उन्होंने ये शब्द नहीं दिया होता तो मे बी शायद काफ़ी साल लग जाते हमें इसको समझने में और मान लो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुआ होता सेल uh, नाम का कोई भी चीज़ तो हम कैसे डीएनए uh, समझते कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझते है ना समझते स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट सेल ऑर्गेनिज विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दीज सेल ऑर्गेनिट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी सेल इन दिस वर्ल्ड ओके उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा सीडोपोडिया अमीबा के बारे में बताना भूल गए थे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं देखिए अमीबा क्या है अमीबा इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन चेंज इट्स शेप डू यू नो दैट बाय द हेल्प ऑफ दी सीडोपोडियाज इट ट्रैवल इट एब्जॉर्ब द फूड डाइजेस्ट इन वैक्यूल एंड रिलीज द फूड ओके बिकॉज ऑफ़ सीडियोपोडिया अमीबा मूवमेंट कर पाता है एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ सीडोपोडिया अमीबा अपने शिकार को जिसको भी खाना है उसको उसको पकड़ पका आ, पाता है ठीक है तो अमीबा में सीडोपोडिया वेरी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और सीडोपोडिया एक्चुअली काय से बना होता है साइटोप्लाज्म टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसका बिल्कुल साइटोप्लाज्म जैसा होता है ना जली लैक तो ये डिसॉल्व कर लेता है अपने स्ट्रक्चर को अपने अपने जहाँ भी उसको दिखेगा कि मान लीजिए यहाँ परे है तो वो ऐसे ऐसे थोड़ा सा शेप बनाएगा और इसको डिसॉल्व कर देगा इस एरिया को डिसॉल्व कर देगा इट एंटर्स इन द बॉडी ऑफ अमीबा और वैक्यूल में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा ओके okay स्टूडेंट्स तो देखिए अमीबा अपना शेप बदल सकता है तो क्या आप बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा कोई सेल है होता है जो शेप बदल सकता है आंसर कोई देगा इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर वरना मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्मॉलेस्ट सेल देखिए माइक्रोमीटर टू जीरो माइक्रोमीटर का होता है और द नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इज अ स्मॉलेस्ट सेल डिटेक्टेड टिलियट एंड बिगेस्ट सेल सबसे बड़ा सेल सिक्स सेंटीमीटर टू एट सेंटीमीटर होता है ऑस्ट्रिच का अंडा ऑस्ट्रिच एग ओके okay, स्टूडेंट तो सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्म नाम का सेल होता है सबसे छोटा कौन सा होता है बच्चों माइक्रोप्लाज्म नाम का सेल है ना जिसकी आ, कितना है उसका डायामीटर है जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर वेरी स्मॉल है ना और बिगेस्ट सेल देखिए ऑस्ट्रिच का है सिक्स सेंटीमीटर टू एट सेंटीमीटर और सिक्स टू एट सेंटीमीटर की चीज तो अपनी आइज से देख सकती है इसीलिए हमें माइक्रोप्लाज्म अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया स्मॉल ये दिखते नहीं हैं बिकॉज़ दे आर यूनीलुलर है, है ना तो हमें वो नहीं दिख पाते चलिए इसको आ, कर लेते हैं अब हम आगे बात करेंगे लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे ही ये बताया कि बहुत छोटे होते हैं सेल तो मुझे एकदम से याद आया कि वन स्टूडेंट हैज़ आस्ड मी कि वाई सेल्स आर स्मॉलर इन साइज़ तो इसका आंसर देख लीजिए देखिए जितने भी सेल्स होते हैं अगर वो स्मॉलर नहीं होंगे तो वो ज़्यादा सरफेस एरिया को ज्यादा बेटर सरफेस एरिया नहीं दे पाएंगे ठीक है क्योंकि स्मॉलर आप ध्यान दीजिए स्मॉलर सेल्स हैं वो इस तरीके से अटैच होंगे तो उनके बीच में जो गैप है इट इज़ वेरी माइनर बट अगर बहुत बड़े सेल होंगे तो आपने देखा है बड़े बड़े ब्रिक्स को रखेंगे तो बीच में गैप्स भी बड़ा बड़ा बनेगा ओके okay, तो गैप्स आ जाएगा ये देखिए गैप्स आ जाएगा इनमें बीच में काफ़ी बड़ा गैप्स आ जाएगा है ना तो सेल आर स्मॉलर बिकॉज आप क्या लिखेंगे अगर क्वेश्चन पूछते हैं सेल आर मोस्टली स्मॉलर बिकॉज बिकॉज ड्यू टू द स्मॉलर साइज इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द आउटर थिंग्स एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है सरफेस एरिया बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन की स्टेज को बढ़ाता है ज़्यादातर एरिया उसकी ओपन रहती है फॉर एब्जॉर्प्शन क्योंकि वो छोटे हैं ठीक है चलिए एम आई क्लियर टू यू स्टूडेंट्स जितने छोटे होंगे उनमें गैप्स कम होगा ज़्यादा होंगे कॉम्पैक्ट होंगे और जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा रिलायबल होगा इतनी जल्दी Uh, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा कि टूट ही जाए वरना हम लोग तो ऐसे तुरंत ही हमारी जो हमने ऐसे मोड़ा तो यहाँ से स्किन कट जाती है अगर हमारे सेल्स में इतना गैप होता तो इट इज़ माइनर छोटे हैं दैट्स वाई वी आर सर्वाइविंग क्योंकि हमारे अंदर दिस फ्लेक्सिबिलिटी कम्स ड्यू टू द स्मॉलर साइज चलिए अब आगे बात करते हैं सेल ऑर्गेनिल्स ठीक है सेल ऑर्गेनिल्स मेनली बहुत सारे हैं बट ये जो तीन हैं बड़े ही फेमस हैं हर सेल में होते हैं किसी का भी सेल आप उठा लीजिए प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में होते हैं ठीक है तो इनको डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक okay, है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं आल्सो नोन एज परमिएबल मेम्ब्रेन अब आगे लिखूँगी नहीं ऑल्सो नोन एज बायो मेम्ब्रेन ओके और एक और नाम है भी आएगा तो फिर बात कर लेगा उसको ठीक है तो अभी हमें समझ में आया व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है अभी हमें पता नहीं है तो आप ध्यान से देखिए कि जब भी हम कोई भी सेल बनाएं हम ऐसा सेल बनाएं या ऐसा सेल बनाएं सबसे पहले हम बाउंड्री बनाते हैं इज इट स्टूडेंट्स वी ऑलवेज मेक बाउंड्री फर्स्ट देन वील पुट ऑल दी ऑल दी सेल ऑर्गेनिज इन साइड है ना तो सबसे पहले हम बाउंड्री बनाते हैं तो दिस बाउंड्री इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है दिस बाउंड्री इज एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है किससे बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है ठीक है फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इस तरीके से एम्बेड होते हैं आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस तरीके से इसके ऊपर काफ़ी मॉडल्स आए हैं लेकिन टू साइंटिस्ट <coughs> ने इसका मॉडल दिया था नॉट इन योर सिलेबस तो आई विल नॉट डिस्कस दैट इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच होते हैं अगर हम इस लेयर को इस लेयर को जूम करें तो ऐसा दिखता है ठीक है नॉट इन योर सिलेबस तो मैं ज्यादा नहीं बता रही हूँ फिर भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पता होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है है ना टॉपिक पे चलिए तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटीन और लिपिड से बनी है आप पूछेंगे व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेफिनेशन इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स विच सेपरेट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, विच सेपरेट्स द सेल इंटरनल एनवायरमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट आउटसाइड द सेल वेरी इजी मतलब सेल क्या है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है जो कि सेपरेट कर रही है किसको सेल को बाहर के एनवायरमेंट से उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ओके okay स्टूडेंट्स तो अभी हमें थोड़ा सा पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर बाहर आने वाली चीज़ों को सिलेक्ट करता है कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये सिलेक्ट करता है जैसे आप एग्जाम्पल मान लीजिए आप अपने घर में आपके घर में जो बाउंड्री होती है ठीक है या आपके घर के जो दादाजी हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लीजिए आपके घर के जो ग्रैंडफादर हैं वो आ, डिसाइड करेंगे कि कौन घर में आएगा कौन नहीं वो कह देंगे कि आप कल से बताइएगा आप आपकी एंट्री नहीं है आपकी एग्ज़िट नहीं, नहीं है है ना आ, तो ये क्या है घर के सदस्य मेन सदस्य हैं तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं घर की बाहर की बाउंड्री डिसाइड करती है कि बिना गेट की परमिशन के आप एंटर नहीं कर सकते ओके okay, गेट पे जो होगा आप गेट खोले बिना एंटर नहीं कर सकते और गेट खोलने की परमिशन कौन देगा दादाजी देंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक अ ग्रैंडफादर ठीक है वो परमिशन देंगे तब एंट्री होगी आपकी सेल के अंदर ठीक है और एक आ, गेट भी है आने के लिए ठीक है छोटे छोटे गेट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं मान लीजिए एक घर है ठीक है मान लेते हैं ये है. <laughs> एक घर है और मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा होल है ठीक है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हाथी चला जाएगा घर के अंदर इतने छोटे से होल में नहीं जा पाएगा उसमें कौन जाएंगे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जा सकते हैं जैसे कॉकरोच है ना कॉकरोच एंट माउस है ना छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स वाले एनिमल्स इसमें जा सकते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म लेकिन आप सोचो कि इसमें एलिफेंट जराफ और कैमल या गाय भैंस ये घुस जाए तो इतने छोटे से होल में पॉसिबल नहीं है सेम ऐसे ही प्लाज्मा मेम्बर पे भी छोटे छोटे पोर्स हैं छोटे छोटे पोर्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं ये पोर डिसाइड करेंगे कि किसको आना है किसको नहीं ठीक है कैसे डिसाइड करते हैं इनका जो एरिया है जितना ओपनिंग है उसमें सिर्फ वाटर विद मिनरल्स अगर जो चीज़ घुल सकती है एक्चुअली पानी में जो चीज़ डिजोल्व हो सकती है विद मिनरल्स विटामिन वट एवर इज प्रेजेंट विद वाटर कैन एंटर इन दिस सॉल्व एंड ऑल है ना बट आप ये नहीं सोच सकते कि कोई बड़ा मटेरियल सेल के अंदर एंटर कर सकता है ओके okay, स्टूडेंट्स बड़ा मटेरियल कई बार पहुँच जाता है जैसे वायरसेस बैक्टीरिया तो फिर वो हमको बीमार कर देते हैं हालांकि पूरा मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में आपने ध्यान दिया होगा हम तो हर वक्त बोलते हैं कि आप आपके हमारे हाथों में हर वक्त माइ मै, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डस्ट के कांटेक्ट में रहते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैंड्स में रहते हैं कई बार हम लोग बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं ठीक है फिर भी बीमार नहीं होते है ना कई बार हो जाते हैं तो ऐसा क्यों मेकेनिज्म पूरा तैयार है ठीक है नोज से ले सेल तक पूरा मैकेनिज्म है आपको एंट्री नहीं है लेकिन फिर भी अगर वाटर के साथ चले जाते हैं सेल में तो आप फिर सेल में डिवाइड होने लगेंगे और दो चार सेल को इन्फेक्ट करेंगे फिर आप बीमार देखने लगेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स तो चलिए तो वॉट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैच बाई इट इज ऑल्सो एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करके परमिशन देगी सिलेक्ट करके परमिशन देगी तो स्टोरी रॉबोटुक से स्टार्ट हुई थी बच्चों फिर हमने सेल के शेप देखे थे ठीक है अभी हमारा हीरो सेल है अब हमारा हीरो रॉबर्ट हुक नहीं है पार्ट टू में ओके स्टूडेंट्स चलिए बहुत कुछ हमने आ, आज के सेशन में पढ़ा है लेकिन आप बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करेंगे अगर आपने पार्ट टू पार्ट वन नहीं देखा है और सीधे पार्ट टू देख रहे हैं तो प्लीज गो एंड चेक पार्ट वन ठीक है उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा स्टोरी आई एम टॉकिंग अबाउट ओके स्टूडेंट्स चलिए तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने इतना समझ लिया ओके okay, स्टूडेंट्स तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चों कल हम पार्ट थ्री लेकर आएंगे और पार्ट थ्री में आपको 100 परसेंट डिफ्यूजन ऑस्मोसिस एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम सेल वॉल और बाकी के आगे के टॉपिक्स समझाए जाएंगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लग हो तो लाइक करें सब्सक्राइब माय चैनल और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स We'll meet you tomorrow. Bye.